एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं आपको बता दूं कि मेरा दिवाली वेकेशन स्टार्ट हो चुका है और दिवाली वेकेशन का आज फर्स्ट डे है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एवरीडे व्लॉग बनाऊं और एवरीडे मैं व्लॉग्स अपलोड करूं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे थोड़ा वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, तो टाइम भी नहीं मिला था व्लॉग शूट करने के लिए। बट अभी वेकेशन है तो मैं ट्राई करूँ क्योंकि मैं एवरीडे व्लॉग शूट करूँ और एवरीडे मैं व्लॉग अपलोड करूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने अभी एप्रॉन पहना है क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ पास्ता बनाने के लिए और साथ में किचन का छोटू मोटू जो काम है वो भी करूँगी। और जैसे आपको पता है कि दिवाली आ गई है, तो मैं अभी जाऊंगी विंडो पे लाइट लगाऊंगी, जो मेरा मेन डोर है वहाँ पर डेकोरेशन करूंगी। और थर्ड थिंग है कि जो मेरे प्लांट्स है वो काफ़ी मुरझा गए हैं, तो वो प्लांट्स भी मैं बाय करूंगी और प्लांट्स भी लगाऊंगी। मीन्स मैं जो भी मेरे वेकेशन में काम करने वाली हूँ दिवाली के रिलेटेड, उस सब चीज़ की मैं वीडियो शूट करूंगी और अपलोड करूंगी। तो मैं आप लोग को बोलूंगी कि आप मेरे व्लॉग्स डेली देखो और मेरे चैनल पे कमेंट करो कि आपको किस टाइप्स के व्लॉग्स चाहिए और क्या क्या चाहिए, तो डेफिनेटली मैं उसके अकॉर्डिंगली व्लॉग शूट करूंगी। सो अभी बिना टाइम वेस्ट किए मैं पास्ता बनाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मेरी दीदी के बच्चों को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो मैं जाती हूँ पास्ता बनाने। सो मैं आपको बोलूँगी कि अभी मैं जा रही हूँ पास्ता बनाने बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले मैं गैस ऑन कर देती हूँ। एक और बात बोलूँगी, मेरा ट्राईपॉड है ना थोड़ा ख़राब हो चुका है, पता नहीं क्यों, और आई थिंक मेरा कैमरा उतना क्लियर नहीं आ रहा है। मैं ट्राई करती हूँ क्योंकि पीछे से भी लाइट आ रही है। वेट, मैं थोड़ा कटिंग को कुछ करती हूँ क्योंकि पीछे से बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, उसकी वजह से दिक्कत ना हो। सो मैं आपको बताऊंगी कि मेरे किचन में मैंने कर्टन इसलिए लगाए हैं क्योंकि मैं व्लॉग शूट करती हूँ और पीछे से बहुत ज्यादा लाइट आती है, तो उसकी वजह से मेरा फेस क्लियर नहीं दिखता है, इसकी वजह से हम लोगों ने किचन में कर्टन्स लगाए हैं। तो देखो आप लोग के लिए मैं क्या क्या मेहनत करती हूँ। तो अभी मैंने ऑलमोस्ट गैस ऑन कर दिया है और मैंने कढ़ाई में तेल और बटर लिया है। तो मैं आपको बता दूं कि तेल के साथ में बटर इसलिए डालती हूँ क्योंकि बटर जले ना, इसकी वजह से तेल के साथ में बटर डालती हूँ। तो अभी ये मैं जो चीज़ मैं जहाँ से उठाती हूँ वहाँ पर रख देती हूँ। और आपको बता दूँ कि ये मेरा सबसे फेवरेट स्पैचुला है। मैं दीदी को बोलती जब मैं शादी करके जाऊँगी ना तो मुझे डाउरी में ना ये स्पैचुला चाहिए। मेरी दीदी बोलती तुझे जो चाहिए सब लेके जा, बट ये कभी मत लेके जा। वैसे डाउरी लेना बुरी बात होती है, वो भी बैन भी हो गई है, बैन कर दिया गया है डाउरी, बट मैं ये स्पैचुला लेके जाऊँगी तो उसके लिए मुझे चाहिए। तो अभी तेल थोड़ा गर्म हो रहा है, इसमें मैं थोड़ा बटर डाल देती हूँ। तो थोड़ा सा बटर, क्योंकि आप पास्ता बना रहे हो तो पास्ता में आपको बटर तो चाहिए ही चाहिए, बिना बटर के तो पास्ता बनेगा ही नहीं। क्योंकि तो अगर आपको टेस्ट चाहिए यम्मी वाला तो उसके लिए आपको बटर डालना पड़ेगा। जब तक तेल गर्म हो रहा है अच्छी तरह से मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। दूध को ऑलरेडी मैंने बॉईल कर दिया था और फ्रिज में रख देते हैं क्योंकि मॉर्निंग में हम लोग एक ही बार दूध को बॉईल करते हैं जिससे गैस भी बचती है और बर्तन भी कम गंदे होते हैं। तो अभी मेरा जो घी और सॉरी घी नहीं है तेल और बटर गर्म हो गया, अभी उसमें मैं एक स्पून मैदा डालूंगी। मैदा मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि मैदा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। मैं खाने वाली हूँ और मेरी दीदी का बच्चा खाने वाला है और मेरा भाई खाने वाला है, ज्यादा लोग पास्ता नहीं खाएंगे। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी, अच्छी तरह से, मतलब आपको थोड़ा ये थोड़ा मैदे को सॉटे करना है, मतलब मैदे को जलाना तो बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा मैं मैदा और ऐड कर लेती हूँ क्योंकि बहुत कम लग रहा है और ये स्पून भी ये बहुत छोटू सा है। और आपको पता है कि मैं घर पे ब्राउनी भी बनाती हूँ, अभी मुझे बहुत ही अच्छी तरह से ब्राउनी बनाने आ गई है, तो वो भी मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूँगी ब्राउनी की। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों ने दिवाली की क्या क्या प्रिपरेशन की और दिवाली में आप लोग एग्जैक्टली क्या वेयर करने वाले, वो आप लोग मुझे ज़रूर बताओ। तभी मैदा ऑलमोस्ट सॉर्टेड हो गया है, तभी मैं इसमें ऐड करूँगी दूध। ये स्लो स्लो आराम से ऐड करना, दूध मैंने ऐड कर दिया है और मैं इसको अच्छी तरह से पकाऊंगी।
और बात बता दूँ, अभी तो मेरा दिवाली वेकेशन चालू हो गया है, मुझे बॉटल भी वॉश करना है। मेरे बैकग्राउंड में से एक आवाज आएगी क्योंकि मेरे ऊपर वाले फ्लैट में काम चल रहा है, तो उसकी थोड़ी आवाज आएगी तो थोड़ा इग्नोर करना। एक मिनट, मैं पास्ता में से पानी निकाल देती हूँ। पास्ते में से पानी भी निकाल दिया है, बस ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाए दूध। तो मेरे पास ये दो चीज है, मैं ये दो चीज यूज करूंगी। आपको पता है मैं ऐसी वाली चीज इसलिए यूज करती हूँ, जब मुझे भूख लगती है या स्कूल के लिए लेट होता है तो मैं ब्राउन ब्रेड के ऊपर ये चीज लगा देती हूँ और खा लेती हूँ, क्योंकि चीज भी हेल्दी है। चीज से हमारे बोन्स होते हैं तो स्ट्रांग होते हैं, और हेल्थी भी अच्छी है चीज, और ब्राउन ब्रेड भी अच्छी है। तो मैं जंक फूड खाने की जगह पे ये सब चीजें खाती हूँ। ब्लैक चीज पेपर डाल देती हूँ और फिर उसके बाद और हम लोग को पास्ता थोड़ा स्पाइसी चाहिए, और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट भी चाहिए। आपको मैं बोलूँ तो पास्ता बनाना बहुत आसान है, इतना कुछ डिफिकल्ट काम नहीं है, हर कोई पास्ता बना सकता है। मेरे घर पे मेरा भाई भी खुद से पास्ता बनाता है, मेरे घर पे सबको ही सारे काम आते हैं। इसको आपको अच्छी तरह से मिक्स करना है। यू मेक, अभी मेरा ऑलमोस्ट पास्ता बन गया है और अभी मैं इसमें चीज ऐड कर रही हूँ। ये देखो चीज इसके ऊपर ही चिपक गई। मैंने ना मेहंदी लगाई थी, ये मेहंदी है ना निकलने के लिए ना मुझे बहुत परेशान कर रही है। मेहंदी तो बहुत अच्छी लगी थी, इसका कलर भी बहुत अच्छा आया था, बट अभी ये मेहंदी जो निकली ना मुझे इतनी दिक्कत दे रही, इतनी मतलब इतना हैरान कर रही है ना, इतना परेशान कर रही। मैं आटा सानती हूँ ना तो मेहंदी उसमें चिपक जाती है, तो उसकी मैंने वीडियो तो निकाली नहीं है। टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो जरूर निकालूंगी रोटी बनाते हुए, और आप देखना कि आटा जब गुन मतलब सानूंगी तब उस पर सब चिपक जाएगी। चेक कर लेती हूँ पास्ता सॉस बराबर, इसमें सॉल्ट, काली मिर्च और रेड चिली पाउडर एवरीथिंग इज ओके। थोड़ा सा नमक मुझे ऐड करना है और हैंड वॉश कर लेती हूँ। आप देख लो कि मेरा पास्ता ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी पास्ता, और अभी मैं ये पास्ता खाने जा रही हूँ। सो मैं आप लोग बोलूंगी, अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो आप इसको जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। लव यू ऑल, बाय।